दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग कवर कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी को और आज हमारा लेक्चर नंबर है 292 नंबर का लेक्चर, ठीक है। 231 से हम लोगों ने ज्योग्राफी की क्लास शुरू किया था और आज 292 नंबर पर कुल 8760 सवाल आपके कंप्लीट होने वाले हैं। अगर आप इस सीरीज से शुरू से जुड़े रहते तो कितना अच्छा होता, सोचो 8000 से अधिक सवाल तैयार हो जाते। और आज तो हम एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करने चल रहे हैं। टॉपिक हमारा क्या दोस्तों, स्पेशल क्लास है कि विश्व की प्रमुख नदियों से संबंधित। बहुत सारी नदियां यहां पर दिख रहा होगा, गंगा भी दोस्तों मैंने शामिल किया भारत में, ठीक है। बाकी नील नदी, लाल नदी, राइन नदी, लिम्पोपो, टिग्रिस, मिसिसिपी, ठीक है, डर मर्रे डार्लिंग, सारी नदियों के बारे में दोस्तों आज हम सवाल जवाब करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से सवाल आते हैं और आप उसका जवाब भी दे पाते हैं कि नहीं, ठीक है। याद रखें कि स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से यह हमारा फाउंडेशन बैच है, ठीक है। फाउंडेशन बैच दोस्तों आपकी तैयारी इतनी मजबूत बनाता है ना कि आपको बार बार जो है कोर्सेज नहीं लेना पड़ता। एक बार आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा तो भारत का कोई भी एग्जाम आप देने में समर्थ रहेंगे, ठीक है। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। सीधे आते हैं दोस्तों अपने सवालों पर, पढ़िए और जवाब दीजिए। जैसे पहला सवाल क्या लिख रहा है दोस्तों कि जल के आयतन के आधार पर, जल के आयतन कौन कितना ज्यादा दोस्तों उस नदी में जल है, यह होता है दोस्तों आयतन, ठीक है। तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी दोस्तों कौन है, और कहीं कहीं पर दोस्तों इस आयतन को दोस्तों नदी के चौड़ाई के रूप में भी लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों लंबाई तो ठीक है जो लंबाई होगी होगी, लेकिन जब चौड़ाई ज्यादा होगा तभी आयतन अधिक होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा चौड़ाई होगा आयतन क्या होगा दोस्तों, उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है। और हम किस नदी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं अमेजन नदी की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, अमेजन नदी की बात कर रहे हैं। यह है कहां पर, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे दोस्तों बहती है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखे, अगला सवाल दे रहा है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ठीक है। एक ही सवाल को पूछने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। तो चौड़ी भी पूछेगा दोस्तों तो क्या बताएंगे दोस्तों, अमेजन नदी जवाब देंगे, ठीक है। कौन सी नदी, अमेजन नदी। आप कल्पना कीजिए इसकी चौड़ाई इतना ज्यादा है कि इस पर दोस्तों अभी तक कोई ब्रिज नहीं बना है, कोई पुल नहीं बना। संभवतः दोस्तों इंजीनियर इसी वजह से नहीं बना पाएंगे कि चौड़ाई बहुत ज्यादा है। आप कल्पना करो कि कितना ज्यादा चौड़ा होगा ये नदी जिसकी वजह से इस पर ब्रिज नहीं बने हुए, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अच्छा एक सवाल और दोस्तों, ये कहाँ स्थित है, तब जवाब क्या होगा दोस्तों, याद रखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर दोस्तों यह स्थित है, इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल कि दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेजन नदी की लंबाई कितनी है, ओवरऑल दोस्तों ये नदी कितनी लंबी है, तो दोस्तों आप याद रखेगा लगभग 6400 किलोमीटर। कितना दोस्तों, लगभग 6450 किलोमीटर करिए, ठीक है। कितना किलोमीटर, ये दोस्तों लगभग मैं लंबाई बता रहा हूं, याद रखेगा। एक सवाल और पूछ सकता है कि यह नदी अपना जल दोस्तों कहां गिराती है, या फिर इसका मुहाना कहां है, ठीक है। मुहाना, तो मुहाना है दोस्तों अटलांटिक महासागर में। कहां है दोस्तों, अटलांटिक महासागर में। लेकिन एक चीज और आप याद रखिए, कभी कभी दोस्तों ये भी पूछता है कि इसका मुहाना, जैसे महासागर तो ठीक है, लेकिन महासागर के अलावा उस मुहाने का नाम क्या है, तो स्पेशली दोस्तों उसका नाम पूछता है तब आप बताएगा दोस्तों महाराजों की खाड़ी। कौन सा दोस्तों, महाराजों की खाड़ी, ठीक है। यहां पर दोस्तों ये नदी अपना जल गिराती है और यही जो खाड़ी है ये अटलांटिक महासागर से सटा हुआ है, तो ये दोनों बातें आप याद रखें, न जाने आपसे कहां क्या सवाल पूछ दे, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगले सवाल पर आइए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ दिया दोस्तों, अब आपसे लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई जब पूछेगा लंबी नदी तब क्या बताएंगे दोस्तों, नील नदी। ये नील नदी कहां बहती है दोस्तों, तब याद रखेंगे आप दोस्तों अफ्रीका में बहती, इसको याद रखेंगे। अगला ही सवाल दोस्तों यहां पर दिया जा रहा है कि नील नदी की लंबाई कितनी है, भाई 6450 किलोमीटर। एक चीज मैं आपको समझा दूं, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं दोस्तों अपने देश से कंपेयर करता हूं, अगर मैं अपने देश की सबसे लंबी नदी गंगा की बात करूं तो गंगा की लंबाई दोस्तों कितना है, 2500 किलोमीटर लगभग, में सब आंकड़ा है, लगभग कितना दोस्तों 2500 किलोमीटर, ठीक है। वहीं दोस्तों हम लोग अमेजन नदी की बात करें, अमेजन नदी की बात करें, तब दोस्तों हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा, यहाँ पढ़ा लगभग 6450 किलोमीटर। अमेजन भी इसके आगे छोटी है और नील नदी दोस्तों ये सर्वाधिक लंबी नदी है, तो नील नदी की दोस्तों लंबाई कितनी है, याद रखेंगे लगभग 6600 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 6600 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। 6600 लिख दो, कहीं कहीं पे दोस्तों 6700 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 100 किलोमीटर वाली बात नहीं है, इसको याद रखें।
हालांकि बड़ा है, ठीक है। एक चीज और दोस्तों यहां से पूछता है कि ये जो नील नदी दोस्तों इसका उद्गम कहां पर है, उद्गम, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, अफ्रीका में एक झील है विक्टोरिया झील। कौन सी झील है दोस्तों? विक्टोरिया झील। वही विक्टोरिया झील दोस्तों क्या है, ये नील नदी का उद्गम माना जाता है, ये तथ्य आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है कि किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट है, ठीक है। कौन सी नदी दोस्तों जो भूमध्य रेखा के निकट है, तो ये जो विक्टोरिया झील है दोस्तों, ये जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील, ठीक है, विक्टोरिया झील से निकलने वाली नील नदी, कौन सी दोस्तों? नील नदी, ठीक है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली जो नील नदी दोस्तों, ये इसका उद्गम स्थल कहाँ, जो विक्टोरिया झील वो भूमध्य रेखा के निकट है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे चल के ये जो नील नदी है ये कहाँ से होकर गुजरती दोस्तों, ये सहारा मरुस्थल से गुजरती, कहाँ? सहारा मरुस्थल से होके दोस्तों क्या करती है, गुजरती है। तो नील नदी दोस्तों सहारा मरुस्थल से गुजरती है और कहां तक चली जाती है, इसका मुहाना कहां पर दोस्तों, ठीक है, मुहाना, इसका मुहाना है दोस्तों भूमध्य सागर, ठीक है, जाके सीधे कहां मिल जाएगी, भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। इसका मुहाना कहां दोस्तों? भूमध्य सागर के पास में है, भूमध्य सागर के पास, उत्तरी पहाड़ी के पास, ठीक है, इसे याद रखेंगे। अगला सवाल, नील नदी का वरदान दोस्तों किसे कहा जाता है, नील नदी का वरदान, ठीक है। तो नील नदी का वरदान दोस्तों किसे कहते हैं, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और उसका वरदान किसे कहते हैं, तो मिस्र देश से होकर गुजरती दोस्तों, मिस्र में जो मिस्र की सभ्यता है, ठीक है, मिस्र की जो सभ्यता है उसे नील नदी का वरदान कहा जाता है, ठीक है। मिस्र देश जो है दोस्तों, इसकी राजधानी कहां है, इसकी राजधानी काहिरा है, कहां पर इसकी राजधानी है, इसकी राजधानी काहिरा है, याद रखेंगे, वहां से नील नदी गुजरती है, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों मिस्र की सभ्यता पनपी थी, इसीलिए इसे नील नदी का वरदान कहते हैं। अगला सवाल, जो नदी सागर तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है, और रास्ते में ही दोस्तों लुप्त हो जाती है, उस नदी को क्या कहते हैं, उस नदी को कहते हैं अंतःस्थलीय नदी, क्या कहते हैं, अंतःस्थलीय नदी, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों भारत में, भारत के अंदर दोस्तों एक नदी है लूनी नदी, कौन सी नदी दोस्तों, लूनी नदी। ये लूनी नदी दोस्तों ये राजस्थान के थार मरुस्थल में बहती, कहाँ बहती है, राजस्थान के थार मरुस्थल में बहती है और वहीं पर दोस्तों विलीन भी हो जाती है, इसी मरुस्थल में क्या हो जाती है, ये जो नदी है ये विलीन हो जाती है, ठीक है। ये किसी जो है समुद्र में जाकर नहीं मिलती, वहीं पर दोस्तों उसका पानी समा जाता है, ये तथ्य भी आप याद रखिएगा। कुछ नए नए फैक्ट लेते चलिए, जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे दूं ये तो आसान सा सवाल हो गया, ठीक है, लेकिन और सवाल से सवाल बनाना ये बहुत जरूरी है। जितने सिद्धत तो मेहनत के साथ एक क्लास दी जा रही है ना, ऐसे ही दोस्तों हम लोगों ने पीछे के भी क्लास अटेंड किए हैं, आपके पास मौका है, आप जाके पढ़िए, ठीक है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कहां की दोस्तों, पूरे के पूरे यूरोप महाद्वीप की बात कर रहा है। जैसे अगर दक्षिण पूरे दुनिया की जो सबसे लंबी नदी हो तो नील नदी है, केवल और केवल यूरोप की बात करेगा तो याद रखेगा दोस्तों वोल्गा नदी, कौन सी नदी, वोल्गा नदी। और मैं एक बात और आपको बता दूं, वोल्गा नदी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यूरोप में ही नहीं बहती, वोल्गा नदी दोस्तों ये रूस में भी बहती है, रूस में भी, ठीक है। इस वजह से दोस्तों यह रूस की भी एक महत्वपूर्ण नदी के रूप में जानी जाती, तो वोल्गा नदी दोस्तों ये रूस से जो है रूस में भी बहती, तो भी याद रखेगा। अच्छा, इस वोल्गा नदी का मुहाना कहां है दोस्तों, इसका मुहाना है कैस्पियन सागर, कौन सा है, कैस्पियन सागर, इसका मुहाना क्या दोस्तों, कैस्पियन सागर। ये वोल्गा नदी पूरा दोस्तों बहते हुए कहां जाती, कैस्पियन सागर में जाकर मिल जाती है, ये आप याद रखेंगे। ये रूस के मध्य और दक्षिण वाले हिस्से से दोस्तों गुजरती है, यह भी याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ऐसे तो बहुत सारी बात है, बट अगर दोस्तों आप यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में दोस्तों यहां पर आप वोल्गा नदी की भी बात कर लीजिए, यह भी दोस्तों भ्रंश घाटी से बहती है, राइन नदी की बात कर लीजिए, यह भी भ्रंश घाटी से बढ़ती, ठीक है। अब ना जाने दोस्तों कौन सा सवाल पूछ दे परीक्षा में। हाँ, एक चीज मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि यदि आप वोल्गा के बारे में बात कर रहे हैं तो याद रखेगा वोल्गा जो है दोस्तों यह रूस में मध्य रूस और दक्षिणी रूस से गुजरती है, कहां पर दोस्तों, मध्य रूस और दक्षिणी रूस से गुजरती है, प्लस दोस्तों यूरोप के जो देश हैं उनसे तो जाती ही जाती है, ठीक है, ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, करक किस नदी को
यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा दोस्तों किस नदी को कहते हैं? तो अभी ऊपर मैंने बताया राइन नदी, ठीक है। ये जो राइन नदी दोस्तों, इसे यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? इसके पीछे पहले वो जानिए, सवाल जानिए। अच्छा, एक चीज और दिमाग में आ गया। पीछे हमने बताया वोल्गा नदी का मुहाना कहाँ है दोस्तों? कैस्पियन सागर। लेकिन वोल्गा नदी का उद्गम कहाँ पर है, ठीक है? इसका ये कहाँ से निकलती दोस्तों? तो ये निकलती है स्विट्जरलैंड से। कहाँ से निकलती है? ये निकलती है स्विट्जरलैंड से, ठीक है। स्विट्जरलैंड से दोस्तों यह नदी निकलती है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो राइन नदी दोस्तों, ये मुख्य रूप से दोस्तों जर्मनी की नदी है, ठीक है, जर्मनी की नदी है और भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसको याद रखेंगे। और ये जहां से गुजरती दोस्तों, वहां खनिज संपदा का अपार भंडार पाया जाता है। किसका? खनिज संपदा, संपदा का अपार भंडार इसके रास्ते में पड़ता है। अपार भंडार ये क्या पड़ता है दोस्तों? इसके रास्ते में पड़ता है। इस वजह से दोस्तों इस नदी में पर्याप्त मात्रा में दोस्तों जहाजें चलती हैं जो आवागमन के लिए जरूरी थी। इसीलिए दोस्तों इसे यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं। हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं लेकिन हम नदियों के माध्यम से व्यापार नहीं करते, ठीक है, क्योंकि नदियां दोस्तों कहीं ज़्यादा गहरी हैं, कहीं नहीं है, तो बड़ी समस्या है। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। करा किस नदी को यूरोप में कोयला नदी भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ये जो राइन नदी दोस्तों, इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। कोयला नदी कहने के बावजूद भी याद रखिएगा, यूरोप के सबसे स्वच्छ नदी में से दोस्तों एक है राइन नदी। ये तथ्य भी याद रखेंगे, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है। कई बार लगता मन में कि कोयला नदी होगी तो बड़ी काली होगी, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत साफ सुथरी नदी दोस्तों। और वैसे भी जीवन रेखा तो साफ नहीं करेंगे, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये भी अच्छा सवाल है। चलिए और आगे बढ़िए। करा किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? ये आपके लिए है, ठीक है, और मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, ठीक है। भारत में दोस्तों आप एक सवाल पढ़ेंगे किस नदी को पेन नदी कहा जाता है, ठीक है, तो तेल नदी, पेन नदी ये भी आता है, बट दोस्तों वर्ल्ड वाइड मैं सवाल पूछ रहा हूं। याद रखिएगा दोस्तों, तेल नदी कहा जाता है नाइजर नदी को। किसे दोस्तों? नाइजर। नाइजर नदी दोस्तों नाइजीरिया में बहती है, ठीक है। और एक चीज और याद रखेंगे, अफ्रीका में बहती है। मोटी मोटा समझिए, पहले देश समझिए, ठीक है। अफ्रीका में, अफ्रीका के अगर मैं सबसे लंबी नदी की बात करूं फर्स्ट नंबर पे, तो याद रखेगा नील नदी है। अगर मैं सेकंड नंबर पे बात करूं तो याद रखेगा कांगो नदी है। और अगर मैं थर्ड नंबर पे बात करूं दोस्तों, तो याद रखेगा नाइजर नदी है। अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी दोस्तों? ये वही नाइजर नदी, जिसे हम तेल नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाकी तो आपने पढ़ ही लिया ना। नील नदी का उद्गम कहां से होता है? विक्टोरिया झील से, ठीक है। विक्टोरिया झील कहां स्थित है? एकदम भूमध्य रेखा के निकट। करा कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काट लेती है? भूमध्य रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा, या फिर हम इसे कहते हैं जीरो डिग्री लाइन, ठीक है। पूरे पृथ्वी के बीचों बीच से दोस्तों कौन सी रेखा गई हुई है? जीरो डिग्री लाइन, विषुवत रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। करा कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है? तो यही जो ऊपर आपने नाम पढ़ा, कांगो नदी, ठीक है। कांगो नदी दोस्तों क्या करती है? यह भूमध्य रेखा को दो बार काटती। सवाल बार बार परीक्षा में पूछता है, ठीक है। इसी तरह कर्क और मकर से भी सवाल पूछता है। जैसे अभी देखिए तुरंत सवाल दे रहा है कि कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती। मकर रेखा कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ठीक है। दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? मकर रेखा कहते हैं। और कौन सी नदी दोस्तों? तो याद रखेंगे लिम्पोपो नदी, ठीक है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती। इसी तरह से कर्क रेखा को दो बार कौन काटता दोस्तों? कर्क रेखा को, ठीक है। तो कर्क रेखा को कौन काटता है आप बताइए? भारत में स्थित है। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है जो भारत में स्थित है? सोचिए और दिमाग से जवाब दीजिए, नहीं दे पाएंगे तो मैं तो हूं बताने के लिए, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, कांगो नदी को ही जायरे नदी भी कहा जाता है। कई बार दोस्तों लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पता चला किसी किताब में जायरे दिया है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये इसी का दोस्तों नाम है, अलग से कुछ नहीं याद रखना है। कांगो नदी को ही जायरे नदी कहा जाता है, ये आप याद, जायरे या जायरे, ठीक है, ये कई बात है, घबराइएगा मत। पता चला मैंने कांगो पढ़ाया, आपने किताब में जायरे देख लिया और हो गए परेशान, तो इतना नहीं परेशान होना, ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने कई सारी किताबें लॉन्च की, आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, तब तो आपको पता चलेगा कि वाकई कितना क्वालिटी कंटेंट वाली क्लास दी जाती है और चीजें पढ़ाई जाती है, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं और किताब आपको जो है
दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी। अच्छा, ये विश्वासघाती से क्यों कहा गया? क्योंकि दोस्तों इस नदी की वजह से दोस्तों बाढ़ आता होगा, और बाढ़ की वजह से दोस्तों ये नदी जो है बहुत सारे स्थानों को क्षतिग्रस्त कर देती होगी, इसी कारण दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, विश्वासघाती कहा जाता है। भारत में भी कई नदियों को विश्वासघाती कहा जाता है। जैसे अगर मैं विश्वासघाती की बात करूं तो जैसे आपने बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, बंगाल का शोक, ठीक है, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है दोस्तों, उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। किसे कहा जाता है, महानदी को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है दोस्तों, बिहार का शोक। इन सब की वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है, ठीक है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। किसे कहा जाता है, कोसी नदी। ऐसे दोस्तों ये सब याद रखते हैं, ठीक है। इसी तरह से विश्व की विश्वासघाती नदी, वो भी सबसे ज़्यादा विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो हवांगहो नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हवांगहो नदी, ठीक है, हवांगहो नदी। और ये हवांगहो नदी दोस्तों कहाँ बहती है, तो याद रखेगा ये चीन में बहने वाली नदी है, इसे याद रखेंगे। और एक चीज़ और याद रखेंगे, हवांगहो नदी को ही दोस्तों पीली नदी भी कहा जाता है, ठीक है, पीली नदी। और ये नदी दोस्तों जहाँ पर इसका मुहाना है वहीं पर दोस्तों पीला सागर स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों, पीला सागर स्थित है, ठीक है। क्योंकि यह नदी दोस्तों एक ऐसे मैदान से गुजरती है जहाँ पर दोस्तों यह नदी एक ऐसे मैदान से गुजरती है जो लोयस का मैदान है, ठीक है, लोयस का मैदान, ठीक है। और लोयस के मैदान में दोस्तों पीली मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पीली मिट्टी पाई जाती है। और इतना ज़्यादा मात्रा में मिट्टी आकर दोस्तों इस पानी में भर जाता है कि पूरी की पूरी नदी ही पीली हो जाती है। और आगे चल के दोस्तों क्या होता है, ये नदी जिस समुद्र में मिलती है उसका नाम भी दोस्तों पीला सागर पड़ जाता है, ठीक है। ये दोस्तों पूरा तथ्य था, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, देरा किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो चीन का शोक किसे कहा जाता है, इसी हवांगहो नदी को, ठीक है। हवांगहो नदी को ही दोस्तों क्या कहते हैं, चीन का शोक कहा जाता है। जबकि चीन की सबसे बड़ी नदी दोस्तों यांगत्सी कांग है। कौन सा है, अगर मैं आपसे कहूं चीन की सबसे, ये मत करिए, ठीक है, चीन की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों, यांगत्सी कांग, ठीक है। याद रखेंगे यांगत्सी कांग ये जो है चीन की सबसे बड़ी नदी है, पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी, चीन क्यों बोलना, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगले सवाल पर आइए, कह रहा बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में किसे पद्मा कहा जाता है दोस्तों, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। अच्छा मैं कहूं दोस्तों गंगा नदी कैसे बनती है, तो याद रखिएगा जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, कौन सी, भागीरथी और अलकनंदा नदी दोस्तों जब मिलता है तब किसका निर्माण होता है, तब जाके दोस्तों गंगा नदी का निर्माण होता है। ये आप याद रख, कई बार सवाल पूछता है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, अलकनंदा नहीं बताकर लोग मंदाकिनी बता देते हैं, कुछ और कर देते हैं, इस वजह से दोस्तों दिक्कत होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। करम मर्रे डार्लिंग नदी दोस्तों कहाँ बहती है, ठीक है, ये कहाँ बहती दोस्तों, तो मर्रे डार्लिंग नदी का संबंध किससे दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, इसको याद रखेगा, ठीक है। अच्छा इसी के लिए दोस्तों दो बातें और याद रखेगा, यहाँ पर ये दो अलग अलग नदियाँ, मर्रे नदी अलग है और डार्लिंग नदी दोस्तों अलग है, ठीक है, डार्लिंग नदी अलग है, ठीक है। आगे चल के दोस्तों इन दोनों का संगम हो जाता है, ये दोनों नदियाँ क्या हो जाती, मिल जाती हैं, और तब इस नदी प्रणाली तंत्र को क्या कहते हैं, जिसे हम लोग गंगा यमुना तंत्र कहते हैं ना, उसी तरह से गंगा यमुना रिवर सिस्टम, उसी तरह से ये मर्रे डार्लिंग रिवर सिस्टम है, ठीक है, मर्रे नहीं होता दोस्तों, मर्रे, ठीक है, मर्रे डार्लिंग, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों एक मर्रे नदी दोस्तों भारत में भी है, ठीक है, मर्रे नदी दोस्तों एक भारत में भी है, हैदराबाद में, कहां पर दोस्तों, हैदराबाद में, ठीक है, मर्रे नहीं है, मूसी नदी है यार, हैदराबाद में कौन सी नदी दोस्तों, मूसी नदी है, कौन सी है, मूसी नदी, ठीक है, मूसी नदी। हैदराबाद में दोस्तों आपने चार मीनार का नाम सुना होगा, ठीक है, चार मीनार का नाम सुना होगा, ये चार मीनार दोस्तों कहां पर बना, कहां पर है दोस्तों, ये मूसी नदी के तट पर है दोस्तों, तो याद रखिएगा, मर्रे से मूसी भी याद रखिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है, थोड़ा एंटिक नाम है। लिख रहा है इक्वेडोर और पेरू, चाहे इक्वेडोर की बात करें चाहे पेरू की बात करें, ये कहां पर स्थित है दोस्तों, तो ये स्थित है आपके दक्षिण अमेरिका में, कहां स्थित है,
यह आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित है। करा यहां पर कौन सी नदियां पेरू को कौन सी नदियां बांटती हैं, ठीक है, बांटती मतलब अलग करती हैं, वो बीच में दोस्तों क्या दोस्तों, तो अच्छा हुआ कि आवाज़ चला गया था, वही मैं परेशान था कि आवाज़ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो अभी यहीं पे हम लोग थे, मैं बता रहा था दोस्तों कि इक्वेडोर और पेरू के बारे में, ये जो स्थित है दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्थित देश हैं, और इनको अलग कौन करती है, ठीक है, यानी यहाँ पर सीमा रेखा बनाती है दोस्तों, दो नदी सीमा रेखा बनाती है। एक तो दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं अमेजन नदी के बारे में, और एक पढ़ते हैं दोस्तों मैरानान। मैरानान जो नदी दोस्तों, इसी को दो नाम से जाना जाता है, मैरानान या मैरानोन, ठीक है, इंग्लिश वर्ड है तो इसको याद रखेंगे। और ये जो नदी दोस्तों मैरानोन, ये पेरू की सबसे महत्वपूर्ण नदी में से एक है, ठीक है, जिसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या दे रहा है, पढ़िए ध्यान से, कि रूस रूस और चीन को कौन सी नदी विभाजित करती, ठीक है, तो रूस और चीन की सीमा रेखा पर दोस्तों कौन सी नदी बहती है, ये आपको बताना है। तो यहां पर दोस्तों आमूर नदी है, कौन सी है दोस्तों, यहां पर उस नदी का नाम है आमूर नदी, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और यह दोस्तों दक्षिणी रूस को दक्षिणी रूस को पूर्वोत्तर चीन से, ठीक है, पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर चीन से अलग करती दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, ये जो आमूर नाम है दोस्तों, आमूर नाम इसे रूस में दिया जाता है, आमूर जो नाम है दोस्तों इसे रूस में दिया जाता है। इसी तरह से इसी नदी का जो दूसरा नाम है, ठीक है, वो है दोस्तों हाइलोंग। क्या नाम है दोस्तों, हाइलोंग नदी, कौन सी, हाइलोंग नदी। इसका हाइलोंग नदी जो नाम है ये चीन में दिया जाता है, ठीक है भाई, अलग अलग जगह के लोग है ना इसलिए उसे अलग अलग नाम देते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र को ही देख लो, भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अंतर है ना, तो यही चीज दोस्तों आपको यहां पर ध्यान देना है। अगले सवाल में आ जाइए, करा भारत चीन को कौन सी नदी विभाजित करती है, तो भारत और चीन की सीमा रेखा पर दोस्तों कौन सी नदी है, याद रखेंगे दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। और एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं तिब्बत की, ठीक है, तो तिब्बत में दोस्तों ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं, याद रखेगा सांगपो नाम से जानते हैं, किसके नाम जानते हैं, सांगपो नाम से जानते हैं। इसी तरह असम वगैरह में दोस्तों बात किया जाए तो असम में दोस्तों दिहांग नाम से जानते हैं, दिहांग, ठीक है, दिहांग लिखिए, दिहांग, ठीक है, दिहांग नाम से जानते हैं। और दोस्तों अगर आप भारत वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, इसे याद रखेंगे। दिहांग वैसे असम में नहीं, अरुणाचल में कहते हैं स्पेशली, इसे दिहांग नाम कहाँ दिया जाता है दोस्तों, इसे अरुणाचल में दिहांग नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। असम में भी दोस्तों दिहांग नदी, लेकिन असम में एक और नदी दोस्तों सहायक नदी, उसे भी दोस्तों दिहांग कहा जाता है, ठीक है, दिहांग। लोहित नदी का नाम सुना होगा, दिहांग का नाम सुना होगा, तो ये तथ्य आप याद रखें, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी दोस्तों कौन सी है, तो दोस्तों रूस की, क्या मैंने ये भी आपको बताया था दोस्तों, एक नदी का नाम बताया था वोल्गा नदी, कौन सी नदी, वोल्गा नदी। और वोल्गा नदी दोस्तों यूरोप में तो बहती बहती है, इसके अलावा दोस्तों रूस में भी बहती है। रूस के किस हिस्से में बहती है दोस्तों, तो रूस के मध्य रूस वाले हिस्से में बहती है और दक्षिणी रूस वाले हिस्से में बहती है ना। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ जवाब हो जाएगा वोल्गा नदी। और जो कहाँ से गाती दोस्तों, यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, अलग से नहीं ना, कुछ है दिमाग में आ रहा है ना, तो यही याद रखिए। अगले सवाल पर आइए, करे संगम के बाद पराना, पराना दोस्तों नदी का नाम है, पुराना नहीं लिखा है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, पराना नदी। एक तो पराना नदी है और एक परागवे, ठीक है, संगम के बाद पराना और परागवे नदियों को किस नाम से जाना जाता है, इन्हें के दोस्तों किस नाम से जाना, जब दोनों का मिलन हो जाता है, मिलने के बाद दोस्तों नाम यहां चेंज हो जाता है, इसे कहा जाता है लाप्लाटा। क्या कहा जाता है, लाप्लाटा, ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों, लाप्लाटा नदी कहा जाता है, ठीक है, दो नदियों के मिलने से दोस्तों ये बना है, ठीक है। और ये बहती कहां पर दोस्तों, तो ये बहती है उरुग्वे में, कहां बहती दोस्तों, ये बहती है उरुग्वे में, ठीक है, उरुग्वे के अंदर दोस्तों लाप्लाटा नदी है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और यह सीमा रेखा भी बनाती है, यह उरुग्वे एवं अर्जेंटीना का नाम सुना है, अर्जेंटीना, यहीं पर दोस्तों पंपास घास की मैदान पाई जाती है, ठीक है,
अर्जेंटीना की सीमा बनाती दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। कई बार सवाल पूछता है ना कि कौन सी नदी किस देश की सीमा बनाती है, ठीक है, तो ये वाला सवाल भी दोस्तों परीक्षा में खूब आता है, तो पहले से आप अलर्ट रहे, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों लाल नदी, लाल नदी दोस्तों किस देश से होकर बहती, लाल नदी बहुत सारी नदियां दोस्तों जिसे लाल नदी कहते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों भारत में एक नदी है दोस्तों लोहित नदी, ठीक है, कौन सी है, लोहित नदी। लोहित नदी को दोस्तों क्या कहते हैं, लाल नदी कहते हैं, क्यों, इसका पानी लाल कलर का है, ठीक है। लेकिन हम जिस लाल नदी की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसका ना ये बहती है दोस्तों वियतनाम में, कहां पर बहती है, ये वियतनाम में स्थित है। वियतनाम की राजधानी कहां दोस्तों, हनोई। वियतनाम की राजधानी कहाँ है, हनोई, वियतनाम की राजधानी है, ये वियतनाम में बहती है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिए, इतना ही नहीं, भारत के अंदर दोस्तों कई बार ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी कहा जाता है, ठीक है, किसे, ब्रह्मपुत्र को भी लाल नदी कहा जाता है, ठीक है, लाल नदी। अब आप कहेंगे सर हमने तो सुना ही नहीं, ठीक है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे जून के महीने में ब्रह्मपुत्र का पानी जो है दोस्तों लाल रंग का हो जाता है, इसीलिए दोस्तों एक देवी माता का मंदिर है अंबाला, ठीक है, अंबिका देवी, ठीक है, उनके मंदिर में दोस्तों उनकी उनकी उनके नाम का मेला भी लगता है और वहां श्रद्धालु वगैरह खूब जाते हैं। आप पढ़िएगा इतिहास उठाकर, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है यूफ्रेटस, यूफ्रेटस और टिग्रिस। मुझे लगता है टिग्रिस देकर आसान कर दिया, वरना अगर यूफ्रेटस पूछता तो आप तो नहीं बता पाते, ठीक है। ये दोस्तों दोनों नदियां किस देश में बहती हैं, तो इनका मुहाना है दोस्तों फारस की खाड़ी। इनका मुहाना कहाँ है दोस्तों, इनका मुहाना फारस की खाड़ी है। और ये नदियां कहाँ बहती दोस्तों, तो मुस्लिम कंट्री है, भारत से आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर तीसरे नंबर पड़ता है दोस्तों इराक, ठीक है। इराक की राजधानी कहाँ है, बगदाद, ठीक है। इराक की राजधानी कहाँ दोस्तों, याद रखेंगे बगदाद राजधानी है। आप इराक के आगे जाएंगे तो पड़ेगा ईरान, ईरान। ईरान की राजधानी कहाँ है, तेहरान, ठीक है। तो ये सब तथ्य आप याद रखिए, ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है कौन सी नदी किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये दो अलग अलग देश है दोस्तों, ठीक है। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, बिश्केक, ठीक है। क्या राजधानी दोस्तों, बिश्केक राजधानी। कहेंगे सर कैसे याद रहता है, ये देखो ऊपर सांप बैठा है, सांप का बिस, ठीक है, इसी से याद रखें, बिश्केक, समझ में आ रहा है। इसी तरह तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, ये आप बताइएगा, ठीक है, एक सवाल तो देने का बनता है ना। तो कौन सी नदी दोस्तों इन दोनों को विभाजित करती है, बड़ा अच्छा सा नाम है दोस्तों, इस नदी का नाम है अत्रक नदी। कौन सी है दोस्तों, अत्रक नदी, बड़ा फिल्मी स्टाइल वाला नाम है ना, ठीक है। अत्रक नदी दोस्तों ये किर्गिस्तान और तजाकिस्तान को दोस्तों अलग करती है, उनके बीच दोस्तों सीमा रेखा बनाने का काम करती है, ये तथ्य भी आप याद रखिएगा, ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है कौन सी नदी कांगो, कांगो व डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को विभाजित करती है, तो दोस्तों कौन सी नदी है ये, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दोस्तों एक देश का नाम है, और यहां पर दोस्तों उस नदी का नाम भी इन्हीं का नाम पर पड़ गया है, कांगो नदी। और हमने आपको ये भी बताया कि कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी, सेकेंड नंबर की दोस्तों लार्जेस्ट नदी है, ये आप याद रखेंगे। और इसी को जायरे नदी के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, जायरे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे लिख रहा है कांगो नदी को पहले किस नाम से जाना जाता था, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, जायरे नदी। और क्या याद रखेंगे, कांगो नदी जो है यह भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, किसे, भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। कैसे काटती दोस्तों, दो बार, ठीक है, दो बार काटती है। मान लीजिए ऐसे कोई रेखा गया और ये नदी गई है, एक बार नदी दोस्तों इधर गई, वापस घूम के आई, फिर काट दी, तो दो बार कटा ना। इसी तरह जो लिम्पोपो था वो मकर रेखा को दो बार काटती है, एक भारत में माही नदी बहती दोस्तों वो कर्क रेखा को दो बार काटती। मैंने पीछे आपसे सवाल किया था, पता नहीं आपने जवाब दिया या नहीं दिया, ठीक है। अगला सवाल कि किस देश को पहले जायरे के नाम से जाना जाता था, ठीक है, तो याद रखेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो देश था दोस्तों, ऑफ कांगो ये जो देश है, इसे पहले किस नाम से जानते थे, इसे पहले जायरे के नाम से जानते थे, ठीक है, और वही नाम दोस्तों आगे भी चल रहा है, ठीक है। तो अरे आज तो पता ही नहीं चला कि सवाल जवाब कब समाप्त हो गया, ठीक है। देखिए स्टडी 91 से जुड़िए आप सभी, बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, इसके अलावा दोस्तों नए नए ई बुक्स भी लॉन्च करें, आप आइए एक बार वेबसाइट पे और देखिए, आपको अलग अलग विषय के लिए भी दोस्तों ई बुक्स मिल जाएंगे और हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है, उनका नोट्स है तो आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि बखूबी आपको सारी चीज़ें तैयार हो गई होंगी और अच्छे से जो है आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन रहेगा आप सभी से, यदि आपको लग रहा है कि नितिन सर वाकई ईमानदारी से और अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, बस यही आपसे निवेदन है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।